नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने मंगलवार को चंडीगढ़ में तालाब प्राधिकरण की एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में तालाबों द्वारा तथा तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए आगामी 10 वर्षों की कार्य योजना को प्रस्तुत किया गया। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तालाबों का वर्गीकरण इस प्रकार से किया जाए कि जिसमें मछली पालन को बढ़ावा मिल सके और गाँव में पारंपरिक जल स्रोत के रूप में इनका प्रयोग किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण द्वारा बनाए गए तालाबों की सूचियों का प्रारूप संबंधित विभागों को जल्द से जल्द भेजा जाए ताकि सभी विभागों द्वारा सुझाव 14 जनवरी 2020 तक प्राप्त किए जा सकें तथा उनको सूची में शामिल कर प्रकाशन किया जा सके। वहीं उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि वर्तमान में मछली पालन के लिए प्रयोग किए जा रहे तालाबों को भी तालाब की सूची में शामिल किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि तालाबों की सफाई के लिए नई तकनीकों का प्रयोग किया जाए। बैठक में बताया गया कि प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए इस प्रारूप में हर तालाब का एक सर्वे किया गया है और प्रत्येक तालाब को एक अलग आईडी दी गई है जिसमें सॉफ्टवेयर के माध्यम से संबंधित तालाब की सभी प्रकार की जानकारियां प्राप्त की जा सकती है। बैठक में बताया गया कि ठोस तरल कचरा प्रबंधन तथा पंचायती राज विभाग द्वारा 1323 तालाबों के पुनर्वास का कार्य किया जा रहा है जिसमें से 465 का कार्य पूरा हो चुका है और बैठक में बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में 16,458 तालाब चिन्हित किए गए हैं जिसमें से आधा एकड़ और इससे भी अधिक के 15,946 गंदे पानी वाले तालाब हैं जिनकी संख्या 6,498 है। वहीं पशुओं के लिए प्रयोग होने वाले 7,554 तालाब तथा मत्स्य पालन के लिए प्रयोग होने वाले 407 तालाब हैं। सिंचाई के लिए 74 तालाब तथा अन्य 1413 तालाब हैं। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में 639 तालाब चिन्हित किए गए हैं इनमें से आधा एकड़ और इससे भी अधिक वाले 600 गंदे पानी के 600 तालाब हैं जिनमें से गंदे पानी वाले तालाब 210 हैं और पशुओं के लिए प्रयोग होने वाले 140 तालाब हैं जो शहरी क्षेत्र में हैं। मत्स्य पालन के लिए 16 तालाबों का इस्तेमाल हो रहा है। वहीं सिंचाई के लिए 55 तालाब ऐसे हैं जिनका प्रयोग किया जा रहा है तथा इसके अलावा अन्य भी कई तालाब हैं जिनकी संख्या 179 है। अब देखें पल पल की विशेष रिपोर्ट।